हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। एलन मस्क का तोहफा, भारतीय यूजर्स को मिला एडिट ट्वीट का ऑप्शन। जी हां, एलन मस्क के टेक ओवर होते ही ट्विटर ने भारत में एडिट ट्वीट बटन लॉन्च कर दिया है। अब आपको ट्वीट के बगल में मौजूदा तीन डॉट्स पर क्लिक करके एडिट ट्वीट का विकल्प दिखाई देगा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने ट्वीट को एडिट करके ये जानकारी दी है। ये फीचर फिलहाल सभी यूजर्स को नहीं मिल रहा है। सोने से पहले म्यूजिक सुनना फायदेमंद, इससे चार गुना तक कम होते हैं बुरे सपने। जी हां, एक स्टडी के मुताबिक सोने से पहले म्यूजिक सुनना बेहद ही फायदेमंद होता है। इससे रात में बुरे सपने आने की संभावना चार गुना तक कम हो जाती है। म्यूजिक नींद में लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, इससे अच्छी नींद भी आती है। तो वहीं म्यूजिक थेरेपी के जरिए लोग भावनात्मक रूप से मजबूत भी होते हैं। भाजपा आईटी सेल प्रमुख की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने द वायर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जी हां, बता दें कि दिल्ली पुलिस ने समाचार वेबसाइट द वायर के खिलाफ भाजपा नेता अमित मालवीय द्वारा उनकी अब वापस ली गई मेटा रिपोर्ट को लेकर दर्ज की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। मालवीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि द वायर ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल और खराब करने के दृष्टि से जाली दस्तावेज तैयार किए हैं। मनीष सिसोदिया ने फिर लगाया बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप। अब कही ये बात। जी हां, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायक खरीदने का आरोप लगाया है। मनीष ने कहा कि बीजेपी 25-25 करोड़ रुपए में 43 विधायक खरीदना चाहती है। इसके लिए उन्होंने 10,073 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। तेलंगाना में 100 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार हुए लोगों को इसका जिम्मा मिला था। ट्विटर में छटनी की तैयारी, एलन मस्क ने मैनेजर से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा। जी हां, ट्विटर का अधिग्रहण करने के साथ ही एलन मस्क ने कर्मचारियों की छटनी की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार एलन मस्क ने इसके लिए मैसेंजर से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। इस समय ट्विटर में 7,500 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से कई लोगों की नौकरी जा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी पर्यटन पुलिस, यह होगी इस पुलिस की जिम्मेदारी। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही पर्यटन पुलिस का गठन करेगी। इस पुलिस को पर्यटन स्थलों पर तैनात किया जाएगा, जहां पर इस पुलिस का मुख्य कार्य पर्यटकों की सुरक्षा व उनकी सुविधा का ध्यान रखना होगा। कई भाषाओं का ज्ञान रखने वालों को इस पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर, जेफ बेजोस इतना पीछे। जी हां, टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई है। अडानी 131.3 अरब नेटवर्थ के साथ जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जेफ बेजोस की कुल नेटवर्थ 126.9 अरब डॉलर रह गई है। गौतम अडानी जेफ बेजोस से 4.4 अरब डॉलर ज्यादा अमीर हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।